नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लिटरेचर्स वर्ल्ड में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ मोस्ट फेमस ब्रिटिश पोइट, जिनका नेम है यू.ए. फैनथॉर्पे की बायोग्राफी हिंदी में। ठीक है, तो अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश के लिए, या फिर आपके पास +1 +2 BA MA के अंदर इंग्लिश लिटरेचर है, तो गाइज इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि काफ़ी सारे वर्क्स आपको आपके सिलेबस में मिलेंगे जो कि लिखे गए हैं यू.ए. फैनथॉर्पे के द्वारा। तो ज़्यादा ब्रीफली डीपली मैं इसकी बायोग्राफी डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की है वो फैक्ट है वो आपको बताऊँगा। ठीक है, सो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले पहला पॉइंट है इनका फुल नेम, यू.ए. फैनथॉर्पे का फुल नेम। इनका फुल नेम है अर्सुला अस्काउम फैनथॉर्पे। ऑक्यूपेशन इनका था पोइट, ब्रिटिश मीन्स ब्रिटिश पोइट थी ये। बॉर्न, जन्म इनका हुआ था 22 जुलाई 1929 में लंदन के अंदर, इंग्लैंड। ठीक है गाइस, इनकी डेथ हुई थी 28 अप्रैल 2009 में, अभी रिसेंटली 11 ईयर्स बिफोर। तब तक ये 79 ईयर की थी। डेथ का जो कारण था वो था कैंसर, इनको कैंसर था जिनकी वजह से इनकी डेथ हुई। डेथ कहाँ पे हुई? डेथ हुई थी वॉटम अंडर एज, ये एक मार्केट टाउन है यूनाइटेड किंगडम के अंदर, यूके के अंदर। इनके जो पार्टनर थे, जिनके जिनके साथ उन्होंने काफ़ी कोराइट वर्क लिखे, उनका नेम था आरवी रॉजे वैले। ये इंपॉर्टेंट है गाइज, पूछ लेते हैं कि इनके पार्टनर का नेम, जिनके साथ काफ़ी सारे वर्क पब्लिश करवाए, वो थे आरवी रॉजे वैले। अब बात करते हैं इनको मिलने वाले अवार्ड्स। वैसे तो इनको काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले, बट जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है टू। पहला है ये रह चुकी हैं फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ द लिटरेचर, फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर 2001 में। सेकेंड अवार्ड क्वीन गोल्ड मेडल फॉर पोइट्री, जो इनको मिला था 2003 में। अब इनके कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिनके लिए इनको जाना जाता है, इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर पोइट्री कमेंट्स मेनली ऑन सोशल इशू। इनकी जो पोइट्री है वो कमेंट करती है ज़्यादातर या फिर रिलेटेड है सोशल इशूज से। नेक्स्ट नंबर टू पॉइंट, ये पहली वूमेन है, फर्स्ट वूमेन टू पब्लिश पोइट्री इन प्रेस्टिजियस पेंगुइन पोइट्स सीरीज। गाइस ये एक सीरीज है प्रेस्टिजियस पेंगुइन पोइट्स की, जिनके अंदर फर्स्ट वूमेन थी, इन्होंने अपना वर्क पब्लिश करवाया पोइट्री। ठीक है, फर्स्ट वूमेन, क्वेश्चन पूछा जा सकता है हु इज़ फर्स्ट वूमेन टू पब्लिश पोइट्री इन प्रेस्टिजियस पेंगुइन पोइट सीरीज। नेक्स्ट नंबर थर्ड, हर 9 कलेक्शन ऑफ पोइम्स वर पब्लिश्ड बाय पीटरलू पोइट्स। ये पीटरलू पोइट्स एक पब्लिशिंग हाउस है जिनके द्वारा इनके 9 कलेक्शन ऑफ पोइम्स को पब्लिश किया गया था। नंबर फोर्थ पॉइंट है, इनको नॉमिनेटेड किया गया था, शी वॉज नॉमिनेटेड फॉर पोस्ट ऑफ प्रोफेसर ऑफ पोइट्री एट ऑक्सफोर्ड इन 1994। 1994 के अंदर इनको नॉमिनेटेड किया गया था पोस्ट प्रोफेसर ऑफ पोइट्री की पोस्ट के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। अब इनके नोटेबल वर्क, काफ़ी सारे वर्क इन्होंने लिखे हैं, बट मेनली जो आपके सिलेबस में देखने को मिलते हैं, पहला वर्क इनका है साइड इफेक्ट्स, जो कि पब्लिश करवाया गया था, इट वॉज पब्लिश्ड 1978। साइड इफेक्ट का एक और नेम है, वो है नॉट माई बेस्ट साइड। नॉट माई बेस्ट साइड वर्क आपको मिलेगा एम ए इंग्लिश लिटरेचर अगर आप कर रहे हो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से। फाइनल ईयर में ये वर्क है गाइज। इस पोइम को मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। 3 पार्ट्स की पोइम है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही फनी है, हंसी आएगी बातें सुन सुनकर। ठीक
ठीक है, तो उस वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना। नेक्स्ट इनका वर्क है कलेक्शन पोइम्स, जो पब्लिश हुआ 2005 में, और थर्ड वर्क, नोटेबल वर्क, डेट इज फ्रॉम मी टू यू लव पोइम्स। ये वर्क पब्लिश हुआ 2007 में, और इस वर्क को कोराइट किया था इनके जो पार्टनर थे, जिनका नेम है आर वी रॉजी वैले। इसके अलावा गाइज इनके कुछ अदर वर्क्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं। पहला फोर डॉग्स 1980 में आया, स्टैंडिंग टू 1982 में, वॉइसेस ऑफ 1984। ये वॉइसेस ऑफ है, इस ये एक्सप्लोर करता है स्टूडेंट लाइफ को। नेक्स्ट है सेलेक्टेड पोइम्स, ये 1986 में आया वर्क है इनका। इसके अलावा ए वॉचिंग ब्रीफ 1987, नेकवर्स 1992, सेफ एज हाउस 1995, कॉन्सिक्वेंस 2000, टाइमॉक द टाइम एंड द प्लेस 2002, क्विनिंग फॉर द सन 2003, और लास्ट वर्क जो इनके डेथ के बाद में पब्लिश करवाया गया, इन ए हाईलैंड गिफ्ट शॉप 2213 में। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। इस चैनल पे आपको इंग्लिश लिटरेचर, जनरल इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं इंग्लिश के, वो सारे स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, और पोइट्री, ड्रामा, जितना भी लिटरेचर है प्लस वन से लेकर UGC नेट तक, वो सारी वीडियोस पे आपको मिल जाएंगी। आगे आगे पब्लिश करता रहूँगा। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।